हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं आज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। किस तरह से क्या क्या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं वो हमें देखना है। तो देखिए, यहाँ पर एक चार्ट हमारे सामने है जो बहुत ही आसानी से हमें पता चलेगा, जिससे देख कर कि क्या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं। तो वो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं। इसके पहले मैंने यहाँ पर एक जो लाइन में ये लिखे हैं नाम, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे हम मीटर की बात करें, ये हमारा बेसिक यूनिट होता है। मीटर से इधर के जो नंबर्स हैं ये छोटे हैं, इधर के यूनिट्स छोटे हैं, इधर के यूनिट्स बड़े हैं। जैसे मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, राइट। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये मीटर से छोटे होते हैं। फिर मीटर आता है, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर एंड देन किलोमीटर। तो आपको सिर्फ ये नाम को ध्यान रखना है। ये जो सात यूनिट्स मैंने लिखे हैं और इनके सीक्वेंस को याद रखना है। मिली सबसे छोटा होगा, किलो सबसे बड़ा होगा, मिली से बड़ा सेंटी है, सेंटी से बड़ा डेसी है। और ये एक दूसरे से कितने छोटे या कितने बड़े हैं, इसके लिए भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ये एक दूसरे से बड़े और छोटे हैं, ठीक है। तो पहले हम ये चार्ट को अब देखते हैं। यहाँ पर चार्ट में हमें दिया, देखिए, मेजर्स दिए हुए हैं। लीनियर मेजरमेंट में क्या है, लाइन के थ्रू मेजरमेंट करना है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। तो लाइन में लीनियर मेजरमेंट जो होता है वो लाइन मेजरमेंट बोला जाता है। वेट में उसका वजन जो है, उसका वेट क्या है, वो मेजर करेंगे। और कैपेसिटी में, जैसे लिक्विड की बात है तो कितना लिक्विड आएगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कैपेसिटी मेजरमेंट, राइट। तो पहले यूनिट लीनियर मेजरमेंट में क्या आएंगे, मीटर वाले, मिली सेंटी डेसी, मैंने यहाँ पे जो लिखा था मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। तो यहाँ भी वही है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। और इनके एब्रिविएशंस, मतलब उन्हें कैसे लिखा जाता है, तो एमएम, सीएम, सेंटीमीटर, डीएम, डेसीमीटर, मीटर, डेका मीटर को डीएएम लिखा जाता है। तो आपको डेसी और डेका में कंफ्यूज नहीं होना है। हेक्टोमीटर मतलब एचएम, और किलोमीटर मतलब केएम, जो हम जानते ही हैं। अब हम वेट की बात करेंगे, तो वेट में अब क्या होगा, जहाँ मीटर था क्योंकि डिस्टेंस की बात थी तो मीटर लिया था, वेट की बात है तो ग्राम लेंगे। मिलीग्राम एमजी, सेंटीग्राम सीजी, डेसीग्राम डीजी, ग्राम बेसिक यूनिट, डेकाग्राम डीएजी, हेक्टोग्राम एचजी, किलोग्राम केजी, राइट। अब कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी लीटर में आएगी, किसी भी बोतल की, पानी भरने की कैपेसिटी, दूध की कैपेसिटी, शरबत की, कोल्ड ड्रिंक की, किसी भी चीज़ की, तो कैपेसिटी को लीटर में मेजर किया जाएगा। तो मिलीलीटर एमएल, सेंटीलीटर सीएल, डेसीलीटर डीएल, लीटर बेसिक यूनिट, डेकालीटर डीएएल, हेक्टोलीटर एचएल, किलोलीटर केएल। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर हमें मेजर्स दिए हुए थे प्रीफिक्सेस, और उनके अकॉर्डिंग हमने लीनियर, वेट और कैपेसिटी मेजर्स को ऐड किया, उनके एब्रिवेशंस को देखा यहाँ पर। अब हम देखेंगे यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन सा यूनिट किससे कितना छोटा है, कितना बड़ा है, तो वो ये यूनिट कन्वर्जन के थ्रू में पता चलेगा। आप देख सकते हैं, लिनियर कन्वर्जन हम देखेंगे पहले, मतलब मीटर को मिलीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे कन्वर्जन्स हैं। वन मिलीमीटर मतलब 1 mm, राइट। 1 cm मतलब 10 mm, मतलब ये mm को अगर आप 10 times ले लोगे तो 1 cm हो जाएगा। आपने स्केल के ऊपर देखा होगा, आपकी जो रूलर होती है, रूलर के ऊपर जो बारीक बारीक सी लाइनें होती हैं, एकदम छोटी सी, वो मिलीमीटर की लाइनें होती हैं। तो अगर 10 lines को आप काउंट करते हैं, 10 lines के ग्रुप को आप लेते हैं, तो वो 1 cm कहलाता है, मतलब 1 cm हो जाता है। वहीं पे 1 decimeter की बात करें तो 100 mm होता है। जब आप 100 mm को मिलाएंगे, वो बारीक बारीक 100 lines को मिलाएंगे, तो वो 1 decimeter होगा, दैट इज़ 10 cm। 1 meter मतलब 1000 mm होता है और 100 cm। 1 decameter मतलब 10 meter, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। वेट कन्वर्जन, यहाँ पर अगर हम वेट की बात करें, मिलीग्राम मतलब 1 mg, सेंटीग्राम में 10 mg मिलाकर 1 centigram होगा, डेसीग्राम में 100 mg होगा, 1 gram मतलब 1000 mg, डेकाग्राम में 10 gram, 10 gram मिलाओगे तो 1 decagram बनेगा, राइट। हेक्टोग्राम में 100 gram मिलाओगे तो 1 hectogram बनेगा, और किलोग्राम में 1000 gram मिलाएंगे तो 1 kilogram होगा। कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी में मिलीलीटर मतलब ml होता है, 10 ml मतलब 1 centiliter,
और 100 ml मतलब डेसीलीटर। अगर 1000 ml मिलाते हैं तब 1 लीटर बनता है, और 10 लीटर मतलब 1 डेका लीटर, 100 लीटर मतलब 1 हेक्टोलीटर, और 1000 लीटर मतलब 1 किलोलीटर होता है। 1000 लीटर का मतलब 1 किलोलीटर होता है। ये हेक्टोलीटर डेकालीटर में भी कन्वर्जन दिया हुआ है। इसके अलावा हमें अदर कन्वर्जन के ही जो चीज़ें हैं वो भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो हम अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ में जो हमें काम आती हैं वो चीज़ें हमें याद रखना है, यूनिट्स को याद रखना है। उसमें पहला हमें दिया है इंच। 1 इंच का मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर, या फिर 25.4 मिलीमीटर, राइट। 25.4 mm है अगर मैं बोलती हूँ कोई चीज़, मतलब वो 1 इंच है। फुट की बात करें तो 1 फुट का मतलब होता है 12 इंच, या फिर 0.305 मीटर। एक यार्ड की बात करें, मतलब 3 फीट, मैं बोलती हूँ 3 फीट की जगह मतलब वो 1 यार्ड है, या उसको मीटर में बात करेंगे तो 0.914 मीटर होगा वो। 1 माइल की बात करें, 1 माइल वो चला था या 1 माइल का है दूरी, तो 1 माइल का मतलब होता है 1760 यार्ड्स, या फिर 1.609 किलोमीटर। 1.609 किलोमीटर मतलब करीब 1.5 किलोमीटर को बोलते हैं 1 माइल। क्विंटल की बात करें तो क्विंटल का मतलब होता है 100 kg। 1 क्विंटल का है वो बोरा, तो वो 1 क्विंटल में मतलब 100 kg उसमें वो सामान है, राइट। 1 टन का मतलब होता है, मेट्रिक टन होता है, जिसे बोलते हैं 1000 kg। मतलब अगर 10 क्विंटल सामान किसी चीज़ में भरा है, मतलब 1 टन सामान भरा है, मतलब 1000 किलो सामान उसमें है, तो 1 टन का मतलब 1000 kg होता है। 1 क्विंटल का मतलब 100 kg, और उसको 10 टाइम्स कर दोगे तो 1 टन होगा, राइट। 1 पाउंड का मतलब क्या होता है, 0.453 kg। 1 पाउंड मतलब 0.453 kg। 12 पीसेस मतलब 1 डजन हम जानते ही हैं। 12 डजन मतलब 1 ग्रॉस होता है। अगर 12 डजन कोई चीज़ है मतलब वो 1 ग्रॉस है, और 20 पीसेस अगर किसी चीज़ के हैं मतलब उसे 1 स्कोर कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने डिफरेंट यूनिट्स को देखा, किस तरह से मेजरिंग यूनिट्स हैं और किस तरह से उन्हें यूज़ करना है। तो यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन भी हमने देखा, और यहाँ पर भी यूनिट कन्वर्जन हमें बताया है ईजी लैंग्वेज में। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।